टोटल नो स्मार्ट लॉन्च करेगा अपने में। में से वो पहले ही तीन फोन इंडिया में लॉन्च कर चुका है, है 10 अप्रैल को जो हो सकते हैं सैमसंग ए नाइनटी ए सिक्स एंड ए फोर्टी लेकिन इसी सब में एक सैमसंग लॉन्च कर चुकी है रशिया में जो कि है सैमसंग ए ट्वेंटी अब ये फोन सैमसंग ने रशिया में लॉन्च किया है चौदह हजार रूबल्स के प्राइस पॉइंट पे जो इंडियन रुपीस में होते हैं पंद्रह हजार रुपए अब अगर सैमसंग ए ट्वेंटी इंडिया में तेरह हजार रुपीज के प्राइस पॉइंट पर भी आता है तब भी मैं इस फोन को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इवन एट दैट प्राइस ये फोन बहुत ही महंगा है अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं चलिए पता लगाते हैं अब ये फोन होगा सैमसंग ए टेन का एक बेटर वर्जन एंड आएगा 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ पर विद एच डी प्लस रेजोल्यूशन एंड ए ड्यू ड्रॉप नॉच अब इसमें आपको वही सेम ग्लास और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन वाली बैक मिलती है जो आपको सैमसंग ए सीरीज के बाकी फोन में भी देखने को मिलती है एंड बैक में ही आपको मिलता है एक ड्यूल कैमरा सेटअप जिसमें 13 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको और एक 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलता है विद एन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड आगे की तरफ आपको मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑल्सो पीछे की तरफ आपको सैमसंग ए में मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड साथ ही में इसमें आपको मिलता है एन सपोर्ट अब इंटरनल्स की बात करें तो आपको सैमसंग A20 में मिलता है एक्सएनएस का 7884 प्रोसेसर जो एक अंडर क्लॉक वेरियंट है एक्सएनएस 7885 प्रोसेसर का अब इस फोन की परफॉर्मेंस डिसेंट है लेकिन इसी प्राइस पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर इन दी रेडमी नोट 7 प्रो एंड नौ हजार रूपए के Realme 3 में आपको मिलता है Helio का P70 प्रोसेसर सो so Samsung को कुछ शर्म करनी चाहिए यहाँ पे अब Samsung A20 में आपको मिलती है चार हजार एम की बैटरी जो बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगी आपको पर ये आता है एक माइक्रो यू पोर्ट के साथ एंड इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलती ऑल्सो यू की बात करें तो ये फोन आएगा सैमसंग वन यू के साथ विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड नाइन पाइव विच इज वेरी गुड अब सैमसंग ए ट्वेंटी सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है जो कि है थ्री जीबी रैम और थर्टी टू जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ एंड साथ ही में आपको मिलता है एक डेडिकेटेड माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट विच इज वेरी गुड अब मेरे हिसाब से सैमसंग ए ट्वेंटी का प्राइस होना चाहिए था दस हजार रूपए वो भी इसलिए क्योंकि ये एक ऑफलाइन स्टोर में मिलने वाला फोन है एल्स नो हजार रुपए का रियल मी थ्री या दस हजार रुपए का रेडमी नोट सेवन इस फोन से कहीं ज्यादा अच्छा है इनफैक्ट इस फोन से अच्छा सैमसंग का M20 है जो आता है ग्यारह हजार रुपए के प्राइस पॉइंट पे और उसमें आपको मिलती है एक फुल एच स्क्रीन पांच हजार एम की बैटरी और USB टाइप सी पोर्ट विद फास्ट चार्ज सपोर्ट सो अगर सैमसंग A20 को इंडिया में तेरह से चौदह हजार रुपी के प्राइस पॉइंट पर लाने की सोच रहा है तो प्लीज सैमसंग इंडिया में इस फोन को लॉन्च मत करना क्योंकि हमारे पास इस फोन से कहीं बेहतर हैं। एनीवेज आपको सैमसंग A20 कैसा लगा एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सैमसंग को इस फोन के प्राइस को लेकर हमें जरूर बताइएगा इन दी कमेंट्स बॉक्स बिलो और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आप जब भी हमारा एक वीडियो शेयर करते हैं तो हमारे वीडियो के लिए व्यूज और हमारे चैनल के लिए सपोर्ट हमें दोनों मिलता है सो प्लीज डू शेयर अवर वीडियो विद सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच वीडियोज एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल्स पर मिले तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है उसे प्लीज दबा दीजिए और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में टेक केयर